दोस्तों क्या आप जानते हो कि नेस्ले कंपनी का 55% प्रॉफिट सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट से आता है, और ना ही वो नेस्कैफे है, किटकैट है और मैगी है, बल्कि वो एक बेबी मिल्क पाउडर है, नेस्ले लैक्टोजेन। नेस्कैफे ने इंडिया में इस पूरी इंडस्ट्री को डोमिनेट करके रखा है विथ 90% मार्केट शेयर। थ्री थिंग्स दैट यू शुड नो अबाउट दिस इंडस्ट्री। दरअसल इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पे बेबी मिल्क पाउडर को एक FMCG प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक फार्मास्यूटिकल ड्रग की तरह ट्रीट किया जाता है, और इंडिया में फार्मास्यूटिकल ड्रग की एडवर्टीजमेंट बैन है। इसीलिए एबर्ट सिमलैक जैसी अच्छी कंपनियां जिसको पीडियाट्रिशियन भी ज़्यादातर रेकमेंड करते हैं वो ऊपर उठ के नहीं आ पाती हैं, क्योंकि वो एडवर्टाइज नहीं कर पाती और ज़्यादा कस्टमर तक रीच नहीं कर पाती है। इस बेबी मिल्क पाउडर के इंडस्ट्री में बहुत सारे कॉम्पिटिटर एंटर करना चाहते हैं, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हें लाइसेंस नहीं देती है, क्योंकि WHO के अकॉर्डिंग चूंकि एक चाइल्ड के लिए मदर की ब्रेस्ट फीडिंग सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल होती है एज कंपैरिजन टू दिस पाउडर मिल्क। नेस्ले ने एक इनहेरिटेंस चेन क्रिएट कर दिया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और इसीलिए आप देखोगे कि लैक्टोजेन वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास ऑन हो रही है। अगर वीडियो समझ में आई तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि लैक्टोजेन का यूज़ क्या है, और ऐसे कंटेंट के लिए पेज को फॉलो ज़रूर कर लेना।